नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। झारखंड बेरमो बोकारो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जीपीएल डोरी एरिया के महाप्रबंधक एम के अग्रवाल ने आज आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा लहराने का आगाज हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर विस्तार पूर्वक सीसीएल के मैनेजर शैलेश कुमार ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि की ओर से जवाहर यादव शंकर ओम शंकर सिंह विकास सिंह मौजूद रहे। इसका शुरुआत है जो हमारा ये गाड़ी तिरंगा हर नगर तिरंगा गिरी को लेकर के प्रचारित करेगी। और आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे सभी माननीय श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण, हमारे स्टाफ ऑफिसर्स, हमारे बहुत बड़ा कार्यक्रम ये चल रहा है 13 से 15 तक हर घर तिरंगा, जिसका कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक रथ विदा किया कि जो पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार प्रसार करेगा। मेरे समझ में राष्ट्रीय भावना की सोच हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाने का एक बहुत ही बृहद और बहुत ही सरल उपाय है। हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहराएगा तो एक अलग सोच पैदा होती है। कोई इसमें से अगर बाघा बॉर्डर पर गया होगा तो वहाँ पर देखेंगे, वहाँ जाते ही एक अलग तरह की राष्ट्रीय सोच है, अपना राष्ट्रीय धुन बजता है, राष्ट्रीय गीत बजते हैं। तो आज के परिवेश में हम सभी के बीच में राष्ट्रीय सोच की भावना बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हमारे सभी श्रमिक संघ के आदरणीय प्रतिनिधिगण हैं, मीडिया कर्मी हैं, हमारे अफसर हैं, और एक अलग तरह का उत्साह सब में दिख रहा है। कल हम लोग हर घर तिरंगा का उसकी भी शुरुआत करेंगे, जगह जगह झंडा का वितरण हो रहा है और भी आगे होगा। तो हम लोग सब लोग मिल करके अपने पूरे खुसरोसरा शहर धोरी क्षेत्र और झारखंड और देश में अपने भी योगदान को पृष्ठभूमि पर लाने का प्रयास करेंगे। और पुनः मैं बोलना चाहूँगा कि यह राष्ट्रीय सोच की भावना हम सभी में एक एक जन में पैदा करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने का बहुत ही उचित माध्यम है। इसमें